Sir, Assalamu alaikum. My name is Shamal Khan Bazi. I'm a student of BS Mass Communication, 7th semester student, BUTIMS University, Quetta. Sir, mere do questions hain, ek a bit political and ek as a student. Sir, my first question is ki ek emerging humne dekhi thi civil rights movement ki jo ki turbat se start hui thi, if I'm not wrong. तो सर वो मोमेंट बलूचिस्तान यहाँ पे क्वेटा आई थी, फिर उसके बाद आप सुनने को मिल रहा है कि वो पंजाब की तरफ उन्होंने मूव किया हुआ है. सर उनको एक तो मीडिया कवरेज नहीं दी जा रही, और इस तरह सिविल राइट्स मोमेंट्स उठते क्यों है सर? ये मसले पहले क्यों हल नहीं होते? माई फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस सर. एंड माई सेकेंड क्वेश्चन इज दिस सर कि एज ए स्टूडेंट मैं सर आपको बताता चलूँ, आई एम एन ब्रांड एक्स ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी समर प्रोग्राम्स फ्रॉम द बलूचिस्तान रीजन, जो कि अभी तक इट्स अ प्रिविलेज मेरे लिए, कोई और नहीं बना. बट सर जब मैं वहाँ पे गया था सर, तो काफ़ी ममालिक से लोग गवर्नमेंट फंडेड पे, अपनी गवर्नमेंट के फंड्स पे वहाँ पे कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स पे आए थे. तो सर इस तरह के कल्चरल प्रोग्राम्स हमारे सूबे के लिए या हमारे मुल्क के लिए क्यों नहीं है सर? थैंक यू सो मच. सिविल मूवमेंट, सिविल एक्टिविटी, पॉलिटिकल एक्टिविटी, आर्म्ड एक्टिविटी, अनआर्म्ड एक्टिविटी, इन तमाम के शेड्स हैं, इन तमाम के शेड्स हैं. और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, जहाँ जहाँ पर आप, मैं एक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत और सर्टन रेगुलेशंस, रूल्स, लॉज के तहत जो पॉलिटिकल रिलेशनशिप है वो हमारा डिफाइंड है. पाकिस्तान के आईन में आप बहैसियत फ़र्द या ग्रोह कोई मलेशिया नहीं जनरेट कर सकते. माशरे के ऐसे ग्रोह जो मज़हब के नाम पे, नस्ल की बुनियाद पे, ज़बान की बुनियाद पे, तशद्दुद पे उधर आते हैं, उनके पास जवाज़ बाज़ औक़ात ठीक होगा, बाज़ औक़ात ठीक नहीं होगा, लेकिन मसला तशद्दुद का है, जवाज़ का नहीं है. क्योंकि जवाज को एड्रेस करने के लिए आईन ने आपको पॉलिटिकल प्रोसेस की इजाज़त दी हुई है, इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी हुई है, सूबाई असम्बली में आने की इजाज़त दी है, सेनेट में आने की इजाज़त दी है, कौमी असम्बली में आने, किसी पे पाबंदी तो नहीं है ना. ये जितने लोग जो इस प्लेटफॉर्म पे हैं, ये खड़े हो सकते हैं, ये पेपर फाइल कर सकते हैं. अभी 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं, फिर एक फोरम आएगा आपका जिसको असम्बली कहते हैं, वहाँ पे ये तमाम अपने जो भी मसाइल हैं उनको उस पर उजागर कर सकते हैं. उस पर कोई पाबंदी नहीं है, किसी शहरी पे कोई पाबंदी नहीं है. लेकिन इन जवाज को बुनियाद बनाकर जब लोग तशद्दुद पे उतर आते हैं, तो उस तशद्दुद को एक्सेप्टेबिलिटी देनी है या नहीं देनी है उन जवाज की बुनियाद पे, ये ज़्यादा अहम सवाल है. हमारे यहाँ बदकस्मती से क्या होता है कि उन खूबसूरत रैशनलाइजेशन को एक तरफ हम आउटसोर्स कर देते हैं सिविल सोसाइटी के प्लेटफॉर्म पे, और दूसरी तरफ जो है ना, उनके जो एक्चुअल वायलेंस के परपेट्रेटर होते हैं वो वायलेंस के एक्टर्स के तौर पे सामने आ रहे थे. मिसाल के तौर पे मज़हबी जमातें थी और दूसरी तरफ TTP का वायलेंस था. वो आके आपको कहते थे कि आप अमेरिका के ग़ुलाम हैं और आपको क्या ज़रूरत है अमेरिका की ग़ुलामी करने की, तो ये बेचारे भी तो इसी तरह करेंगे, फिर बेरोज़गारी भी है, लंबा चौड़ा एक जो है ना रीजंस आपको पकड़ा देते थे. वो उस तरफ आके ख़ुद को शमले भी करते थे, लोगों को असैसिनेट भी करते थे, रैंसम भी लेते थे. किसी में माशरे में इसी सिविल राइट्स मूवमेंट में ये न स्ट्रेंथ थी, न कैपेबिलिटी थी, न विल थी कि इस चीज़ की नुक्तचीनी कर सके. लेकिन चूंकि ये बड़ा पॉपुलर है सिविल राइट्स और सिविल एग्जिस्टेंस, तो वो उसको मैस्केरेड करके, उसको बुनियाद बनाकर इस की रैशनलाइजेशन शुरू कर देते. दूसरी तरफ BLA BLF है, वो भी इसी तरह करते. अभी एक साहब मेरे ख्याल में वहाँ पर उन हलाक हुए, मुझे नहीं पता कि वो कैसे हलाक हुए हैं, उसमें इन्वेस्टिगेट हो जाएगा, उसी के लिए शायद ये लोग चल पड़े हैं. इससे चंद दिन पहले 15 लोग जल गए थे कोस्टल हाईवे पे. कोस्टल हाईवे पता है किधर है? सारों को पता है या नहीं पता है? पता है सर. ये भी पता है कि 15 लोग जले थे.
नहीं पता है, देखा देखा पता ही नहीं है ट्विटर पे, क्योंकि कोई सिविल राइट मूवमेंट नहीं है उस 15 लाशों को आगे ले जाने के लिए। फिर आप पता है उधर एक पुलिस स्टेशन के पास मजदूर आए हुए थे रहीम यार खान से, मजदूरी करने के लिए 500 400 800 रुपए की दिहाड़ी के लिए। तो उनको थाने में रखा गया कि यार कोई इनको नुकसान ना पहुंचे, तो वो उन्होंने आके थाने के अंदर पुलिस वालों को भी कत्ल किया, उनको भी शहीद किया, फिर भी कोई सिविल राइट मूवमेंट ने बात नहीं की। इंटरेस्ट नहीं होगा, या हो सकता है वो सब ह्यूमन लेवल पर हों, क्योंकि सिविल राइट्स मूवमेंट और उसका इजहार करने के लिए कोई मखसूस लोग अगर फौत हों तो शायद फिर मसला है, अगर उस तरह के मखसूस लोग ना हों तो फिर मसला नहीं है। मेरे भाई गवर्नमेंट्स जो होती है ना उसके पास बड़ी विजिबिलिटी होती है, गवर्नमेंट्स जो है ना उसके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ रही होती है और उसका जो कैनवस होता है वो बड़ा ब्रॉड हो जाता है। फिर उसके तहत कानून ने उसको ये इख्तियार दिया हुआ है कि मीडिया में इसको इजहार की इजाज़त दी जाए या ना दी जाए, ये इनहेरेंट राइट नहीं है। मीडिया को इजहार राय भी चंद कवानीन के तहत है। मुझे उसामा बिन लादन और एमन बिन जवारी को कभी ऑक्सफोर्ड वालों ने बुलाया लेक्चर के लिए? क्यों नहीं बुलाया? बुलाना चाहिए था, हार्वर्ड में बुलाना चाहिए था, ऐसे गुफ्तगू करते गपशप लगाते समझते कि ये रेडिकल क्यों हो गए इतने ज़्यादा, नहीं किया। हर चीज़ के कयूद होती हैं, तरीक़ेकार होता है, रूल्स होते हैं, उन रूल्स के तहत चला जाता है। ये कवानीन बनाए गए हैं, उन कवानीन के तहत हम किसी पे पाबंदी भी लगा सकते हैं, पाबंदी उठा भी सकते हैं जब भी वो उसकी वायलेशन हुकूमत ये समझती है, और उनके इन राइट्स को इंश्योर करने के लिए कोर्ट का निज़ाम मौजूद है। तो हम सब एक निज़ाम के तहत चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल विलन हैं और ये सिविल राइट्स वाले सारे हीरो हैं। प्रॉब्लम ये है कि प्रोजेक्शन ऐसे ही की जाती है, बहुत सारी जगहों पर ये मैस्करेड करते हैं, हम इनकी एग्जिस्टेंस को तो रिकग्नाइज करते हैं, लेकिन इनकी तमाम के तमाम बयानियों के सामने सरेंडर तो नहीं किया जा सकता। जी इस तरफ से आए। सर मैंने रिसेंटली चेक किया था कि पीआईडी के मुताबिक पाकिस्तान में 23 बच्चे जो है दे आर डिप्राइव्ड फॉर द एजुकेशन पाकिस्तान में। सर अगर आप देखेंगे इसमें मेजोरिटी आपको बलूचिस्तान में नज़र आएगा, और वो भी स्पेसिफिकली जो कि साइड इलाके है। सर मैं खुद बेसिकली खानोजी से बिलोंग करती हूँ, उसके जो एजुकेशन रेशियो है दे हाईएस्ट कम्पेयर टू द बाकी इलाके। सर इस जो एजुकेशन बच्चे नहीं लेते इसको नॉर्मलाइज किया जाता है, उसको दूसरे सोर्सेज, अनदर थिंग पॉजिटिव रिसोर्सेज टुवर्ड्स एजुकेशन। पेरेंट्स देखते ही नहीं कि इसका माइंडसेट है नहीं वेदर एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट और नॉट। सर आपको क्या लगता है कि एक मुल्क की तरक्की के लिए या एक स्टेबल पाकिस्तान को स्टेबल होने के लिए इस पर आप क्या सोचेंगे कि किस तरह इसको स्टेबल होना है, अगर इसकी जो नेक्स्ट जनरेशन है जो जीन्स अल्फा है जो कि हमारे आगे जाके पाकिस्तान यूथ है दे आर डिप्राइव फॉर एजुकेशन। सर आप इस बारे में क्या कहेंगे?